नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किसी भी फोटो का साइज, लंबाई, चौड़ाई किस प्रकार से परिवर्तित करें बताते हैं। जब भी आप कोई फॉर्म डालते हैं तो उस फॉर्म में फोटो का जो साइज होता है, बहुत आपकी फोटो का साइज ज्यादा होता है उसमें कम मांगते हैं, आपको चेंज करते नहीं बनता। फोटो में लंबाई और चौड़ाई अलग होती है और जो फॉर्म आप डाल रहे हैं उसमें लंबाई चौड़ाई अलग मांगते हैं, आपको नहीं पता। किसी किसी फोटो में इंच में साइज मांगते हैं, किसी किसी फोटो में सेंटीमीटर में साइज मांगते हैं, आपको नहीं पता। किसी किसी फोटो को वो पीडीएफ में बना के भेजते हैं, कहते हैं कि इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके लगाइए, आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, कब पता करोगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अभी और आपको किसी भी फोटो का साइज, लंबाई, चौड़ाई जेपीजी फॉर्मेट से पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट से जेपीईजी फॉर्मेट में, अभी आपको नहीं पता चलेगा हम क्या कह रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो में बने रहिए और आपको पता चलेगा किस प्रकार से आप किसी भी फोटो का साइज, लंबाई, चौड़ाई और भी बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अब कहीं किसी ऑनलाइन सेंटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो भाई क्यों जाएं वहाँ पर। जो वो बंदा बैठा है ऑनलाइन में, क्या उसने पेड़ से सीख के आया है? नहीं ना, आप भी सीख सकते हैं। तो आइए आपको हम स्टार्ट करके बताते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी फोटो के साइज को या अन्य फैसिलिटी को चेंज कैसे करें। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और अगर आप ये लैपटॉप से कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल मेरे जैसा कीजिए। और अगर आप ये मोबाइल से कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, बाकी सब प्रोसेस बिल्कुल मोबाइल जैसी ही आ जानी है। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले आप एक न्यू टैब को खोलिए। अब जैसे वहाँ पे आप खोलोगे तो मित्रों याद रखिए, जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आपको वही टाइप करना है। ये देखिए मित्रों, आपको क्या टाइप करना है आप समझ गए होंगे। मित्रों आपको ये टाइप करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है आई एम रिसाइजर। जी हाँ मित्रों, आपको यही टाइप करना है और दूसरा कुछ टाइप नहीं करना है। मित्रों इसको आपने टाइप कर लिया, अच्छी बात है। इसको जरा टाइप करने के बाद आप इसको सर्च कीजिए। जैसे हम इसको सर्च करेंगे फिर आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि आगे क्या प्रोसेस होने वाली है। लीजिए मित्रों, यहाँ पर आप इसकी पहली ही वेबसाइट पर देख रहे हैं, ये देखिए इसकी पहली वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए वही वेबसाइट है और ये उस लिंक दी गई है। मित्रों आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। तो कीजिए ना, कब करोगे। मित्रों मैंने इस लिंक पर क्लिक कर दिया है। अब मित्रों देर तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी कुछ फैसिलिटी दी है, अभी आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो मित्रों आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड इमेज, आपको इसी में मित्रों, जी हाँ, आपको यहीं पे क्लिक करके इमेज को अपलोड कर देनी है। तो कीजिए ना, कब करोगे। मित्रों मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और मेरे पास यहाँ पर आप देखिए विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा, कोई डुप्लीकेट वीडियो नहीं है कि आपको ऐसी हिलगा दिया है भाई, लटका दिया है, करते रहिए। मित्रों ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी फोटो को देख रहे हैं, एक फोटो है कावड़ यात्रा की। जी हाँ मित्रों, इसका साइज आप जरा देखिए, इसका साइज कितना है, 125 KB है। और ये किस साइज में है, जेपीजी फॉर्मेट में है। और ये कब की फोटो है ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट जुलाई और 2023 की है। कब देख रहे हैं ना मित्रों, पूरी जानकारी यहाँ पे आप देखिए, 125 KB की है। अब जरा मैं इसको चेंज करके बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ। जी मित्रों आपको इसी इमेज पर क्लिक कर देना है और नीचे जो ओपन देख रहे हैं ना आप, यही ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे कि फोटो आ चुकी है, लेकिन मित्रों जो फोटो है इसका साइज वगैरह यहाँ पे आप देखिए, इसको रिसाइज करना पड़ेगा। तो कहीं पहले से आपको रिसाइज करके नहीं बैठना है, आप तो आंख बंद करके इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मित्रों यहाँ पर आप इसके देख रहे हैं, लीजिए मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताऊंगा आपको। यहाँ पर इसका क्रॉप कर चिन्ह देख रहे हैं, तो आपको इसी क्रॉप वाले चिन्ह पर क्लिक कर देना है। तो कीजिए ना, कब करोगे। लीजिए भाई हमने तो क्लिक कर दिया है। अब जरा इसके साइज को हम चेंज करेंगे, तो
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें इसके साइज को चेंज करना है, तो थोड़ा इसको यहाँ पर बंद करेंगे। अरे भाई थोड़ा इसको काटिए, और थोड़ा आपको यहाँ ऊपर काटना है थोड़ा सा बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ा सा फैलाना है। अरे देखिए ना भाई, हो गया ना? जी हाँ, यहाँ पे हो गया। अगर थोड़ा ज़्यादा फैल गया हो तो लो ये भाई कम कीजिए। ओके भाई, ये मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ, ये कोई फोटो वगैरह नहीं है वैसे में कि इसको भाई चेंज वैसे ही करना है। जी हाँ, यहाँ पे हो गया। अब इसको जरा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ लिखा हुआ कि अप्लाई क्रॉप टेक, यहाँ पे है ना। तो मित्रों आपको इसी पूरे में क्लिक कर देना है, तो कीजिए ना। कब करोगे भाई? तो मैंने तो भाई कर दिया है, शायद आप भी कर रहे होंगे मेरे साथ में। चलिए अब मित्रों है इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है यूनिट जो इंच में है, इसकी यहाँ पे जो चौड़ाई वगैरह दी है, और यहाँ पे इसकी हाइट या ऊंचाई दी है, और यहाँ इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो भाई कब चेंज करोगे? कीजिए ना भाई। तो यहाँ पे जैसे इंच में है, तो हमने जैसे पहले ही आपको बताया था, किसी किसी फॉर्म में इंच में मांगते हैं साइज, और किसी किसी फॉर्म में भाई सेंटीमीटर मांगते हैं। तो ये जैसे इसमें क्लिक कीजिए, ये लीजिए भाई, इसमें चार ऑप्शन आ गए हैं। चारों ऑप्शन आए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, और यहाँ पे पिक्सल में है। तो मित्रों मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में करूंगा, क्योंकि अधिकांश फॉर्म में सेंटीमीटर ही मांगते हैं। अब इसकी चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो अधिकांश सभी फॉर्म में जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 3.5। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, आपको 3.5 अकेला ही लिखना है। सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पहले सेट कर दिया है अपन लोग ने। अब इसकी हाइट मांगते हैं, तो हाइट इसकी अधिकांश जो फॉर्म होते हैं इसमें 4.5 मांगते हैं। भाई मैंने तो लिख दिया है 4.5। अब इसका साइज देखिए, यहाँ पे यहाँ इसका फॉर्मेट देखिए, JPG, JPEG, PNG और PDF। जी हाँ मित्रों, आप इस इमेज को PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। और ये फोटो के तीन साइज होते हैं, यहाँ पे JPG, JPEG और PNG। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे तीन साइज होते हैं, और ये PDF में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मित्रों मैं इसको JPEG या JPG कुछ में भी कीजिए, एक ही साइज रहता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मेन चीज तो यहीं पे है। अगर आपको इस जो फोटो है, जैसे कि इसकी जो एम कहें, इसका जो साइज वगैरह है, इसकी चमक है, इसका जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी चेंज ना हो। जैसे कि 125 KB में इसकी क्वालिटी थी, वही क्वालिटी इसकी मान लो 50 KB में हम कर दें, तो अच्छी बात रहेगी ना मित्रों। वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो इसके साइज को हम इसकी जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट किना बीए किना। जी हाँ मित्रों, इफेक्ट नहीं करना उसको, क्वालिटी जैसी उसको सेम वैसी ही रखने हैं, और इसके साइज को कम कर देना, कितनी बड़ी बात है मित्रों। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है शो अदर सेटिंग। जी हाँ मित्रों, मैं इसी पर क्लिक करूंगा, शायद आप भी कर रहे होंगे। अब जैसे ही मित्रों यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो लीजिए भाई, अब इसके साइज को भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइज देख रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है DPI। मित्रों अधिकांश 300 DPI ही लिखिए, तभी आपकी जो फोटो है वो बहुत ही साफ आएगी। तो मित्रों आइए मैं इस सेटिंग को बाय स्टेप आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप मान लो मैं यहाँ पर 50 KB यहाँ पर लिखना करूंगा। मित्रों आप यहाँ से KB कर सकते हैं, MB कर सकते हैं, यहाँ पे बाइट्स कर सकते हैं। तो अधिकांश फॉर्म में फोटो को KB में ही मांगते हैं, तो यहाँ पर KB पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप 300 है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, समथिंग 200 लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे 200 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए आपको, तो यहाँ पे 300 या 300 आप लिखिए। अब यहाँ पे आपका पेपर मांगेगा कि मतलब आप किस साइज के पेपर में कर रहे हैं, तो अधिकांश जो है वो A4 साइज के पेपर में कन्वर्ट करना है। मित्रों मैंने तो यहाँ पे कर दिया है। अब जरा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट डाउनलोड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, शायद आप क्लिक कर रहे होंगे, तो कीजिए ना भाई, कब करोगे? मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, और कुछ ही क्षण में। जी हाँ मित्रों, आपको टाइम ज्यादा नहीं लगना, ये देखिए बगल में शो आ गया। अब इसके साइज को हम देखेंगे, ये देखिए आ गया साइज की, इसका आपने पहले देखा था, इसमें कुछ भी अंतर दिख रहा हो आपको? बिल्कुल भी अंतर नहीं दिख रहा है। अब इसके साइज को देखना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो भाई कीजिए ना, कब करोगे? जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, और यहाँ पर आप देखिए भाई, देखिए ये देखिए, अरे देखिए ना भाई, यहाँ पर लिखा है 4444, ये देखिए क्या लिखा, 46.7 KB। जी हाँ मित्रों, इसके साइज को हमने कन्वर्ट कर लिया है भाई,
और देखिए टुडे अभी अभी की डेट है, जैसे कि यहाँ पे 12:36 है और यहाँ पर आप देखिए कोई डुप्लीकेट नहीं, अभी अभी का टाइम दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए यहाँ पर 12:36। जी हाँ मित्रों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फोटो भी कन्वर्ट हो गई होगी। और मित्रों वीडियो अगर पसंद आया है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं मित्रों, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई, आपके काम का वीडियो है। आप किसी को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ किसी दूसरे को भी नॉलेज मिले। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए भाई आपका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।